नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि आप कैसे पीएनबी वन ऐप में किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन के लिए कैसे आप टी पिन को सेट कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इसकी कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में पीएनबी वन ऐप को इंस्टॉल करना है और उस पर लॉगिन करना है। जब आप इस ऐप पर लॉगिन करेंगे तो इसका इंटरफेस जो है आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमें जो है हमें अपना टी पिन सेट करना है, तो ट्रांजैक्शन पिन सेट करना है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे थ्री लाइन दिख रही होगी, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा प्रोफाइल, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, सेट रीसेट एम टी पिन, तो आपको जो है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे आपको चार ऑप्शन मिलते हैं जिससे आप अपने ट्रांजैक्शन पिन को सेट कर सकते हैं, जिसमें आपको पहला मिलता है थॉट यूपीआई, उसके बाद जो है ट्रांजैक्शन पासवर्ड, तीसरा है ब्रांच और चौथा जो है आधार ओटीपी। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है हम अपने डेबिट कार्ड के माध्यम से ही करेंगे, तो यहाँ पर हम फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से अपना अकाउंट जो है सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम अपना अकाउंट सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ से अपना डेबिट कार्ड सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मैंने अपना डेबिट कार्ड सेलेक्ट किया। अब इसके बाद जो है हमें अपना पिन इसके अंदर एंटर करना है, जो आपका डेबिट कार्ड पिन है वो इसमें एंटर करेंगे। हमने दोस्तों इसके अंदर अपना पिन सेट कर दिया, एंटर कर दिया। अब हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, जिसे आपको इसके अंदर एंटर कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास ओटीपी आ चुका है, अब हमें बस यहाँ पर कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आपको एक टी ट्रांजैक्शन पिन सेट करने के लिए कहा जा रहा है, तो उसे हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमने अपना ट्रांजैक्शन पिन सेट कर लिया, तो दोस्तों जैसे ही आप अपने पिन को सेट करके सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा जो है ट्रांजैक्शन पिन जो है सेट हो चुका है, चेंज हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है हम इस टी पिन के माध्यम से आसानी से जो है अपने सभी ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल हो तो हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।